हेलो दोस्तों, आप सभी को मूवीज़, सीरियल्स या वेब सीरीज़ देखने का तो शौक होगा ही सही। अगर आपने गौर किया हो तो मूवी शुरू होने के पहले एक सर्टिफिकेट आता है, इस पे वो किस तरह की फिल्म है उसकी कैटेगरी दी गई होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह की मूवी को किस तरह का फिल्म सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म सर्टिफिकेट जानकर आपका क्या फ़ायदा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भूकंप, सुनामी, बाढ़ आने के पहले आपको पता चल जाए तो आप कितने अलर्ट हो जाते हैं, उसी तरह अगर फिल्म शुरू होने या फिल्म रिलीज होने के पहले आपको पता चल जाए ये फिल्म कैसी होने वाली है, कि ये फैमिली ओरिएंटेड है या फ्रेंड्स ओरिएंटेड है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह की फिल्मों को किस तरह का सर्टिफिकेट इशू होता है और उन कैटेगरी फिल्मों के कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आपका कीमती समय वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म सर्टिफिकेट के बारे में बात करने के पहले मैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो सर्टिफिकेट इशू करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, जिसे हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। सेंसर बोर्ड इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय के अधीन रहता है। सेंसर बोर्ड की कैची हर फिल्म, हर धारावाहिक, हर टीवी एडवर्टीजमेंट और पहले वेब सीरीज पर नहीं होती थी, लेकिन वेब सीरीज के अपने सारी हदें पार करने के बाद अब सेंसर बोर्ड की कैची वेब सीरीज पर भी चलती है। इन सभी चीज़ों को रिलीज होने के पहले सेंसर बोर्ड के अंदर से गुजरना पड़ता है, तभी इनमें सर्टिफिकेट दिया जाता है और फिर इन्हें रिलीज किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कितने तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं और किस तरह की फिल्मों को कौन सा सर्टिफिकेट मिलते हैं। कैटेगरी 1, इस कैटेगरी का नाम है दोस्तों यू कैटेगरी, जिसे हिंदी में हम अ भी कहते हैं। इस कैटेगरी में आने वाली फिल्मों को सभी उम्र के लोग देख सकते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक। इस फिल्म में ना ही कोई अश्लील कंटेंट होता है, ना ही हिंसा, ना ही गालियाँ। इस कैटेगरी में आने वाली फिल्मों को पूरा परिवार साथ मिलकर बैठ कर देख सकता है। और इस कैटेगरी में आने वाली फिल्में हैं हम आपके है कौन, बागबान, भाग मिल्खा भाग। कैटेगरी 2, इस कैटेगरी का नाम है यू ए या हिंदी में कहे तो अव। इस कैटेगरी में कुछ सीन्स में हिंसा, अश्लील कंटेंट या फिर गालियाँ पाई जाती है। इन फिल्मों को 12 से ज़्यादा की उम्र के लोग अपने अभिभावक की मौजूदगी में देख सकते हैं। इस कैटेगरी में आने वाली फिल्मों के नाम हैं जैसे कि बाहुबली, ये जवानी है दीवानी। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि जो ये यू ए फिल्म सर्टिफिकेट है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा इशू हो जाता है। इस सर्टिफिकेट की फिल्में इंडिया में सबसे ज़्यादा बनी जाती है। कैटेगरी 3, इस कैटेगरी का नाम है ए या हिंदी में कहे तो वह। यह कैटेगरी 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बनाई जाती है। इस कैटेगरी की फिल्मों में पूरी तरह से वायोलेंस और पोर्नोग्राफी होती है। और इस कैटेगरी में आने वाली फिल्मों के एग्जाम्पल है जिसमें 2 और वेब सीरीज मिर्जापुल हाल ही में जो ट्रेंडिंग है। कैटेगरी 4, इस कैटेगरी का नाम है एस या हिंदी में कहें तो वी। यह कैटेगरी सामान्य लोगों के लिए नहीं होती है। इस कैटेगरी में आने वाली फिल्में सिर्फ विशेष लोगों के लिए बनाई जाती है, जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, इन लोगों के लिए बनाई जाती है और ये फिल्में नॉर्मल लोगों को देखने के लिए नहीं होती है। इसके अंदर आने वाली फिल्मों की कोई एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, इनके लिए ही बनाई जाती है और उनको ही दिखाई जाती है। जैसा कि दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हर एडवर्टीजमेंट, हर फिल्म, हर वेब सीरीज़ को सेंसर बोर्ड के अंदर होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन जो दूरदर्शन चैनल है गवर्नमेंट का उसके लिए बनाई गई फिल्मों को छोड़कर हर फिल्मों को गुजरना पड़ता है। दूरदर्शन के लिए बनाई गई फिल्मों के लिए इस सर्टिफिकेट की छूट होती है। दूरदर्शन खुद ही अपना एक बोर्ड बनाता है जो उसकी खुद की फिल्मों की जांच करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये पूरी वीडियो में अलग अलग फिल्म सर्टिफिकेट कैटेगरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से फिल्में को डिवाइड किया गया है और आप किस तरह से समझ सकते हैं कि कौन सी फिल्म आपके लिए है और कौन सी फिल्म आपके लिए नहीं है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों जब आप अगली बार मूवी देखने जाएं तो आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।